तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि मिंत्रा पे एक नया ऑप्शन आ चुका है जो आप एक्सचेंज की बदौलत आप कोई भी एक नया प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, आपको मालूम है कि कोई भी ऐसा शॉपिंग एप्लीकेशन नहीं है कि जो आप एक्सचेंज के प्रोडक्ट से कोई भी दूसरा ऑर्डर कर सकते हैं। तो जी हाँ, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। तो वीडियो को कोई थोड़े भी स्किप मत करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिंत्रा पे जाना है। मिंत्रा पे जाने के बाद आपको प्रोफाइल पर चले जाना है। प्रोफाइल पर चले जाने के बाद आपका जो ऑर्डर किया है पहले का, उस ऑर्डर पर जाना है। जो भी सामान आपने एक्सचेंज करना है या एक्सचेंज के बदौलत कोई नया ऑर्डर करना है, उसके लिए आपको इधर नया एक ऑप्शन आ चुका है, दिख रहे हैं आप सभी को। इधर आ रहे हैं स्टाइल एक्सचेंज, तो यही एक नया ऑप्शन आ चुका है। तो पहले तो आपका ये दो ही ऑप्शन था, ये साइज एक्सचेंज और रिटर्न का ऑप्शन था। तो अभी नया एक ऑप्शन आ चुका है स्टाइल एक्सचेंज। तो अगर आपको कोई भी दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो देख सकते हैं, मैंने ये कुर्ता ऑर्डर किया था और इसको मुझे एक्सचेंज करने के बाद कोई दूसरा कुर्ता ऑर्डर देना है। तो इसके लिए हमको सिंपली स्टाइल एक्सचेंज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि आई रिसीव्ड ए डिफेक्टिव या रॉन्ग प्रोडक्ट, या नीचे है साइज इज टू लार्ज और साइज इज टू स्मॉल। तो आपको इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर देना है और नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद इधर एक ऑप्शन होगा, आई कन्फर्म दैट देयर प्रोडक्ट इज अनयूज्ड विद द ओरिजिनल टैग्स इंटैक्ट। तो इसको बोल रहा है कि इसको कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है कि प्रोडक्ट जो है आपने ओरिजिनल ही वापस करेंगे और ओरिजिनल टैग के साथ ही वापस करेंगे। आपको सीधा ही इधर कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है कि रेडी फॉर एक्सचेंज, तो परचेस ए न्यू आइटम फ्रॉम योर शॉपिंग बैग, गेट रिफंड इफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू आइटम इज लेसर और पे द डिफरेंस इफ द कॉस्ट इज मोर। तो इस इधर आपको बता रहा है कि अगर आपका प्रोडक्ट का जो आप ऑर्डर कर रहे हैं करेंगे अभी, उसका भी प्राइस थोड़ा पहले प्रोडक्ट से थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको क्या आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। जितना पैसा ज़्यादा लगता है उसको आपको देना पड़ेगा। और अगर आपका पैसा जिस ऑर्डर करेंगे जिस अगर उससे पैसा थोड़ा कम हो तो आपको उस पैसा को रिफंड मिल जाएगा। तो इसको आप कंटिन्यू टू परचेस न्यू आइटम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट लेना है उसको सर्च कर लेना है। तो मेरा प्रोडक्ट विश लिस्ट में ही है, आप भी आपका प्रोडक्ट विश लिस्ट में भी रख सकते हो। तो विश लिस्ट में मेरा एक प्रोडक्ट है, उसको अभी ऑर्डर करेंगे। तो ये वाला प्रोडक्ट मुझे ऑर्डर करना है, तो इधर आपको मूव टू बैग पर क्लिक कर देना है। या मूव टू बैग पर क्लिक करने के बाद आपको इधर कौन सा साइज चाहिए वही वाला आपको दे देना है। गो टू बैग पर क्लिक कीजिए। गो टू बैग पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको इधर दिख रहा है कि मेरा जो पहले का प्रोडक्ट था उसका दाम था 1169 और अभी का प्रोडक्ट का दाम है 1848। तो मुझे और इस प्रोडक्ट के लिए 282 रुपीज देना है। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट एक्सचेंज पर क्लिक करते हैं। एक्सचेंज पर क्लिक करने के बाद तो आप लोगों को इधर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप पेमेंट इंस्टेंटली पेमेंट कर सकते हैं, या कैश ऑन डिलीवरी भी पेमेंट कर सकते हैं, या आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं सीधा कैश ऑन डिलीवरी पर ही पेमेंट करूँगा। और इधर आपका एक कोड का ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर जो कोड लिखा है वही सेम कोड आपको नीचे भी लिख देना है। तो मैं सीधे नीचे लिख देता हूँ। उसके बाद आप प्लेस ऑर्डर कर दे सकते हैं। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेटिंग में हो जाएगा। ये देखिए मेरा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। तो अगर वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।